Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 38 सितंबर 2020 वेनसडे है सुबह के 8:26 हो रहा है. लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस महीने का. तो निफ्टी इंडेक्स हमने देखा फ्राइडे से एक रिकवरी, एक बाउंस बैक जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है. एक न्यूज आई थी सैटरडे को कि गवर्नमेंट फिर से एक बार राहत पैकेज अनाउंस कर सकती है. तो इसके मद्देनजर मार्केट इस न्यूज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है. तो अभी कहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट है वो देखेंगे और इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार 3 दिन के बढ़त के बाद फिर वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. नाज़दा करीब 32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूएस में नवंबर में इलेक्शंस है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो नवंबर का मंथ. अगर फिर से एक बार ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो काफ़ी कुछ मार्केट उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं. यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल वहाँ पर साफ तौर से कमजोरी देखने को मिली, लाल निशान में बंद हुए. लंदन मार्केट हो, फ्रांस मार्केट हो या फिर जर्मन मार्केट हो. एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि जापानीज इंडेक्स 29 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर को देखे तो इस वक्त फ्लैट नोट पे कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं. एक तेजी के बाद एक साइडवेज पैटर्न आने की उम्मीद ज़्यादा होती है और यहाँ से फिर अपर बैंड का ये ब्रेकआउट मिलने के बाद तेजी हो सकती है. तो फिलहाल कहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है ये देखेंगे. वीकली चार्ट से शुरू करते हैं. ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. लास्ट टाइम हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज़ किया था, ये लो, ये हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के. अभी और एक नेक्स्ट हमें स्विंग हाई और स्विंग लो मिल चुका है. तो ये जो स्विंग हाई स्विंग लो मिल रहा है इसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल अगर हम ड्रॉ करें और सपोज अगर यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक होता है तो फर्स्ट इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस 11,500 के पास होगा और उसके बाद 11,930 के पास हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के लेवल्स यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं. तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो 11,500 फर्स्ट हर्डल होगा और यहाँ पर मेजर सपोर्ट है जहाँ पर ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहाँ पर हो रहा है जो कि अराउंड 10,900 to 10,800 के बीच में. तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो अभी फिलहाल यहाँ पर हायर बॉटम्स नहीं बन रहे. जब भी अपसाइड मूव आता है तभी यहाँ पर हायर बॉटम्स बनते हैं, यानी प्रीवियस बॉटम के ऊपर नेक्स्ट वाला बॉटम बनता है. तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिलती है. तो अभी फिलहाल ये जो लास्ट के दो हाईज बने हैं ये लोअर हाईज है, यानी प्रीवियस हाई जो बना है ये करंट हाई के ऊपर है और नेक्स्ट वाला अभी भी जो बना है ये जो हाई यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है, इसने प्रीवियस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया. तो जब तक यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं बनता हायर हाईज और हायर लो, यानी प्रीवियस हाई के ऊपर नेक्स्ट वाला हाई, तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से प्राइस अपसाइड फिर से हमें मूव होते हुए दिखाई दे सकती है. ये स्टैंडर्ड बेसिक रूल होता है, मार्केट हमेशा जब अपसाइड में होता है तभी हायर बॉटम्स बनाता है इस तरह से. तो जब तक ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता तब तक यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है ये कहना मुश्किल होगा. तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए. जब तक 11,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकती है. तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है. चलते डेली चार्ट में. डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने हमारा मंडे का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर एक पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बन रहा था ये इस तरह से. ये सेम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दिनों पहले भी बना था और इसके बाद हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी ये इस तरह से, ये देखिए. और अभी भी
जो ये फ्राइडे को पैटर्न बना था, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे हमने जबरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो यहाँ पर ये जो हर्डल्स है, ये 20 EMA और 50 EMA, मंडे के वीडियो में हमने बात की थी, 50 EMA को तो इसने ब्रेक कर लिया, लेकिन 20 EMA ये जो अराउंड अभी 11,300 के आसपास है, यहाँ पर इसने कल रेजिस्टेंस फेस किया और एक प्रॉफिट, इतना तेजी आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी होता है। और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करें, ये जो यहाँ पर टॉप बना है और ये जो लो बना है, इसको पकड़ के अगर हम ड्रॉ करें तो इसका एग्जैक्ट इसने 61.8% का ये जो लेवल है 11,300, ये कल इसने एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव किया और यहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अभी ऊपर जाते वक्त 11,300 एज पर डेली चार्ट ये हर्डल होगा, अगर 300 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट में भी अगर लाइन चार्ट को अगर कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी हायर बॉटम्स नहीं बने, हायर बॉटम्स इस तरह से बननी चाहिए, ये देखिए, तब हम कह सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। अभी यहाँ से एक स्ट्रांग अपसाइड मूव आया है एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री में, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इसे फिर से हायर बॉटम्स बनाने होंगे, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से अपसाइड मूव है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर 11,300 ये रेजिस्टेंस होगा और अभी नीचे सपोर्ट होगा, ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है ये अराउंड अभी 11,174 के पास है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करें और फिर एक दो दिनों के बाद अपसाइड ब्रेकआउट हमें फिर से एक बार देखने को मिले। तो ये वीकली और डेली चार्ट का सीनारियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स आज क्या होगी इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट में देखें तो आपको क्लियर यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल सकता है लास्ट, ये लास्ट डे का, तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस के बीच में अभी ट्रैप हो चुका है। अभी इसको क्लियरली इसका अपर बैंड यहाँ पर बन रहा है अराउंड 11,279, ये अगर ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,301, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,324, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी को क्लियरली ये जो 20 EMA का मूविंग एवरेज है इसके क्लियरली नीचे आने दीजिए, ब्रेक होने दीजिए ये तीनों भी मूविंग एवरेजेस टुवर्ड्स साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम तभी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा 11,161 और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,138, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,121, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।